अगर आप लोग भी इस तरह की 3D बिल्डिंग वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियो बनाना सिखाऊंगा। अगर आप लोग भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी इस तरह की वीडियो बना पाओगे। चलो जी, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लगा दो, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को इतना समझाता हूँ तो आप लोगों का इतना तो हक बनता है कि यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 100K कम्प्लीट करा दो, क्योंकि 60K जो है ना हो चुके हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों को एक ऐसे बिल्डिंग की या आप लोग किसी ऐसे घर की पिक्चर जो है ना आप लोग ले लो। उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, सीधा आप लोग ने चले आना स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ प्लस पर हम लोग क्लिक करेंगे और वही वाले घर को जो है ना हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ने टूल पर क्लिक करना है और यहाँ हीलिंग पर आप लोग ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, इसी वाले घर पर आप लोग ने क्लिक करके इस वाले ऊपर वाले हिस्से को, बिल्डिंग ऊपर वाले हिस्से को आप लोग ने रिमूव कर देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं जो है ना इसको अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, आप लोग ने भी कर लेना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जो है ना इसको रिमूव कर लिया। उसके बाद आप लोग ने सीधा ई रजर एप्लीकेशन के अंदर चले आना है। उसके बाद लोड फोटो पर क्लिक करके आप लोग ने पहले वाले घर को सिलेक्ट करना है, जो आप लोग ने पहले जिसकी मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। अब यहाँ पर हाँ वो ये घर, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा बैकग्राउंड, अगर ना करे तो आप लोग ने कर लेना है। उसके बाद आप लोग ने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग ने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग क्या करना है, ब्लैंक पर आप लोग ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग ने यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करके इस वाले आप लोग ने घर को सेलेक्ट कर लेना है, जिसको अभी जिसका बैकग्राउंड हम लोग ने रिमूव किया है। उसके बाद आप लोग ने यहाँ इरेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके हार्डनेस को 100 कर दें और आप लोग ने दो हिस्सों में इस घर को कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अच्छे तरीके से काट देता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने उसको काट दिया। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक शेप नाम का जो है ना एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और एक अच्छा सा यहाँ से शेप देंगे। जैसा कि ये कोई भी शेप आप लोग देख सकते हो, यहाँ सबसे पहले हम लोग इसकी जितना भी लेंथ है ना उसको हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको उठा के इस PNG के नीचे जो है ना हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा से यहाँ इरेजर पर क्लिक करेंगे और हम लोग जो है ना इरेजर पर क्लिक करके हार्डनेस को 100 करके इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो आप लोग ने भी इसको सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग ने यहाँ कलर पर क्लिक करके कलर जो है ना इसका आप लोग ने अपने हिसाब से दे देना है। उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग ने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो आप लोग ने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो आप लोग ने पहले जिसका आप लोग ने जिसको रिमूव किया था। ओके करें इसको। इसकी जो साइज है वो 5 सेकंड या 4 सेकंड आप लोग ने रख देनी है। उसके बाद आप लोग ने ओवरले और एड ओवरले पर क्लिक करके ये वाली इमेज आप लोग ने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो है ना इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे। ओके करें। उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, यहाँ पर इसको लगा देना है इसकी साइज के मुताबिक। जहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो पिक्चर है वो बन चुकी है। उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, इसको जो है ना यहाँ तक करके कट कर देना है। अब उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, यहाँ इसको इस जगह पर रखना है और इस पर प्लस पर हम लोग ने क्लिक करना है और इसको हम लोग ने थोड़ा सा छोटा कर देना है और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। उसके बाद दूसरे पर भी क्लिक करना है और यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग ने ऐसे कर देना है। अब हम लोग इस वीडियो को सेव कर लेंगे। एक बार सेव करने के बाद दोबारा से आप लोग ने इसी वाली वीडियो को कैपकट के अंदर ओपन करना है। तो इस वाली वीडियो को दोबारा से मैं कैपकट के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है ना इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग रिवर्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो रिवर्स हो चुकी है। अब ये हमारी वीडियो ऐसे होगी। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, कोई अच्छा सा एनिमेशन जो है ना हम लोग देंगे। यहाँ पर पहले वाला दे देता हूँ। अभी आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो जो है ना कैसी बन चुकी है। इस तरह से आप लोग जो है ना अपनी किसी भी बिल्डिंग को जो है ना ऊपर से नीचे कर सकते हो। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ने देख लिया होगा, इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो को बना सकते हो। आप लोग ने मेहनत करनी है। मैंने तो जस्ट आप लोगों को बताया कि यार इस तरह से आप लोग ने इस ऐप की मदद से आप लोग ऐसा बना सकते हो, लेकिन आप लोग ने जो ना बहुत मेहनत करनी है, 3-4 घंटे इसके ऊपर लगा देने, फिर जो ना आप लोगों की वीडियो ठीक बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके और पर लगा दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।